हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी एक वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कूड़े कचरे से खाद कैसे बना सकते हैं। ये खाद जो आप देख रहे हैं इसको काला सोना भी कहते हैं। यह हमारे घर से निकले हुए किचन वेस्ट से बनाया हुआ है। यह खाद घर पर ही बनती है बहुत आसान तरीके से। आपके साथ आज मैं शेयर करूँगी। यहाँ जो मेरे किचन वेस्ट से सब्जी के छिलके, फलों के छिलके या जो वेस्ट निकलते हैं उनको मैं फेंकती नहीं हूँ। अगर आप हाउसवाइफ हैं या आपके गार्डनिंग करते हैं, आपने घर पर पौधे लगाते हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यह बहुत आसानी से बन जाती है। मैं आपको बताऊंगी, एक बार आप बनाना सीख जाओगे तो आप हर बार इसको बनाना चाहोगे। यदि आपके पास मिट्टी भी कम है तो आपकी यह प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। जो लोग शहर में रहते हैं, जो ज़्यादातर हमारे पास मिट्टी की प्रॉब्लम हो जाती है, इसकी वजह से हम पौधे भी नहीं लगा पाते। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी आपको कैसा पॉट चाहिए कि आप किसी भी बाल्टी में इसको बना सकते। जैसा कि आप 10 से 15 लीटर की बाल्टी भी ले सकते हैं या फिर कोई बड़ा टब भी ले सकते हैं। यदि आप गार्डनिंग करते हैं, सबसे पहले छोटे बर्तन में बनाकर देख सकते हैं। जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए तो आप इसको बड़े बर्तन में बना सकते हैं। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप आटे की थैली में भी इसको बना कर तैयार कर सकते हैं, नहीं तो पुराने घड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्रोसेस यह है कि आप कोई भी बर्तन में खाद बनाएं, उसमें आसानी से छेद हो जाए। अब हम किचन वेस्ट से खाद बनाएंगे। इसको बनाने के लिए जिस बर्तन का हम यूज करेंगे उसमें होल होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है आगे आपको बताऊंगी। बहुत आसान तरीके से हम इसको बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है। यह मैंने घड़ा लिया है, मैं इसी में बनाती हूँ। जब यह भर जाता है तो मैं आटे की थैलियों का प्रयोग करती हूँ। आप यह देख सकते हैं कि मैंने इसमें एक होल कर रखा है। देखिए, यह होल कर रखा है इसमें। इस तरह से आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, इसमें आप छोटे छोटे होल कर सकते हैं। अभी मेरा खाद बनके तैयार हो गया है। यह देखिए कि कितना बढ़िया खाद बनके तैयार हुआ है। ना ही इसमें कोई बदबू आती है और ना ही कोई कीड़े मकोड़े आते हैं। इतना बढ़िया खाद बनता है। इसमें मिट्टी की तरह धीमी धीमी खुशबू आती है। इसमें पहले हम यह घड़ा ले लेते हैं। इस घड़े के नीचे कोई डिब्बा या कोई भी बर्तन रख देते हैं। फिर हमने डिब्बा ले लिया, कोई भी बर्तन इसके नीचे आप भी रख सकते हैं। ये हमने घड़ा रख लिया। जब हम किचन वेस्ट डालते हैं उसमें से पानी निकलता है। यह पानी भी पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तब हम इस पानी को भी यूज करेंगे, इसलिए मैंने इस घड़े को थोड़ा ऊपर करके रखा है। अब कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कोई डिब्बा हो या थाली हो। जब हम रोज़ का रोज किचन वेस्ट डालने जाएं, 24 घंटे में एक बार तो आप किचन वेस्ट इसमें डालने जाएंगे, तो आप उस टाइम आप जाते हैं जब यह भरा हो, उसमें पानी हो, तो उस समय को आप अपने पौधों में डाल दीजिए। वो भी बहुत अच्छा कंपोस्ट बनता है। ये देखिए, जब ये पानी निकलता है, ये पानी मैं इसमें इकट्ठा कर लेती हूँ।
उसको फेंके नहीं। मैंने इसके बाद नीचे यह डिब्बा लगा दिया है, अब मैं इसमें बनाना शुरू करूंगी। चलिए आगे आपको पूरा प्रोसेस दिखाती हूँ कैसे इसको बनाना है। सबसे पहले हम इसके नीचे छोटा सा टुकड़ा कुछ भी रख सकते हैं, पत्थर का कुछ भी रख सकते हैं। एक लेयर हम इस कंपोस्ट की बनाएंगे, एक लेयर हम नीचे इसकी कंपोस्ट की लगा देंगे, फैला देंगे। सबसे पहले मैंने इसमें जो कंपोस्ट बनाया था उसकी एक लेयर लगा दी है, लगा दी है तो आपकी मिट्टी की कमी ख़त्म हो जाएगी। आपके घर में फिर जो मिट्टी तैयार हो जाती है उसी से हम कंपोस्ट भी बना लेते हैं और हम अपने पौधों को लगाने के लिए खारा सोना भी तैयार कर लेते हैं। यदि आपके पास सूखी पत्तियां नहीं हैं, आपको इकट्ठा करके रख लीजिए या मंगवा लीजिए। यदि आपके पास सूखे पत्ते नहीं हैं तो इस तरह से आप गत्ते के टुकड़े या न्यूज़पेपर के टुकड़े भी ले सकते हैं। इन टुकड़ों को छोटे छोटे करके इसमें फैला दीजिए, छोटे करके हम इसको फैला देते हैं। इसको इस तरह से नीचे बिछा दीजिए। यह पानी को सोखते हैं और डिकम्पोज करने में भी बेस्ट होता है। इसको सड़ने गलने में मदद करता है। जो पानी निकलता है उसको सोख भी लेते हैं। उसके बाद यह खुद भी सड़ जाती है। जैसे मैं पत्तों का ही इस्तेमाल करती हूँ। ये हमारे सूखे पत्ते हैं, इसकी एक लेयर हम इसमें बिछा देते हैं। एक लेयर हमने पत्तों की लगा दी। पत्तों की डाल दी। इसमें आपको एक चीज़ की सावधानी रखनी है। जैसे कि आप आम की गुठली हो उसको नहीं डालना, पका हुआ खाना नहीं डालना। इसमें सब कुछ डाल सकते हैं, जैसे कि सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, केला, सेब, जो भी आपके घर में हो। आप कोशिश कीजिए कि इन सभी को आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल सकते हैं। बड़े बड़े टुकड़े डालेंगे तो डिकम्पोज होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। यदि छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देंगे तो हमारा खाद भी जल्दी से बनकर तैयार होगा। फिर हम एक लेयर सूखे पत्तों की फैला दी। फिर हमने अपने गार्डन का वेस्ट है, ये हमारा गार्डन का वेस्ट है, इसको डालेंगे। ये हमने गार्डन का वेस्ट डाल दिया। हमने ये गार्डन का वेस्ट डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर फिर अपने पत्तों की एक लेयर डालेंगे। ये हो गई हमारे पास एक लेयर पत्तों की। एक दो दिन में ये और नीचे बैठ जाएगा, इसमें गैप हो जाएगा। फिर हम इसमें किचन वेस्ट, फिर पत्तों की लेयर, फिर गार्डन वेस्ट, फिर किचन वेस्ट, और एक लेयर उसकी भी डाल सकते हैं। में मॉइस्चर बना रहता है क्योंकि फलों और सब्जियों के छिलके सड़ते हैं, जो मॉइस्चर में मेंटेन करते हैं। फिर ज़्यादा सूखा लगे तो ऊपर से थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर सकते हैं। फिर भी ज़्यादा सूखा लगे तो ऊपर से थोड़ा सा छिड़काव भी कर सकते हैं, ताकि इसमें मॉइस्चर रहेगा तो यह ज़्यादा जल्दी सड़ेगा और गलेगा। अब हम इसको अच्छी तरह से ढक कर छोड़ देंगे। रुक जाए, लग जा रही है। अब हम इसको अच्छी तरह से ढक के छोड़ देंगे। एक महीने बाद आप देखोगे कि यह बहुत अच्छी तरह से डिकम्पोज हो चुका। हो सकता है कि कुछ टाइम ज़्यादा भी लग जाए, मौसम के हिसाब से। वैसे तो यह 1 से 2 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। आप यह
देख सकते हैं कि यह कितना कितना अच्छा तैयार हुआ है। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइबर लाइक एंड शेयर करिए।